देखो दिवाली और छठ का जो फेस्टिवल है वो आने वाला है और ज़्यादातर लोग रेलवे से सफ़र करने का प्लान बना रहे होंगे। ऐसे में कई बार गलती से ट्रेन में सफ़र के लिए कुछ ऐसा सामान ना ले जाए जिसके कारण आपको जुर्माना और जेल दोनों का सामना करना पड़े। इसके लिए आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। देश में दिवाली का बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। देश के कई शहरों में काम करने वाले लाखों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य अपने घर लौटने जा रहे हैं। लंबे सफ़र के लिए ज़्यादातर लोग रेलवे का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने दिवाली फेस्टिवल को लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी। रेलवे ने साफ कहा है कि यात्री ट्रेन का सफ़र करने के दौरान कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसके लिए बाकायदा प्रतिबंधित उत्पादों की लिस्ट भी जारी की गई है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक ट्वीट में कहा है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल डीजल या फिर अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफ़र करेंगे तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। रेलवे ने कहा कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान को जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में स्टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। रेलवे के निर्देशों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन के डिब्बे या फिर रेलवे परिसर में पटाखे, गैस सिलेंडर या फिर गन पाउडर जैसे सामान को लेकर सफ़र ना करें। साथ ही ट्रेन के डिब्बे या परिसर में सिगरेट ना जलाएं। रेलवे परिसर में अक्सर कुछ यात्री स्टोव जलाकर खाना पकाते हैं। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि रेलवे परिसर में गैस या स्टोव जलाना मना है। किरोसिन और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ भी ट्रेन में सफ़र करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि रेलवे जर्नी के दौरान आप लोग कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।